मेरी उम्र के नौजवानों के साथ, मैं हूँ सुहेब अलवी और हमारे साथ मौजूद है मिन्हाज यूसुफ साहब। मिन्हाज यूसुफ साहब जो है उनकी ख़ास बात यह है कि बहुत ख़ास आदमी है और इनकी फिल्मों और क्रिकेट और ये सारी जो नॉलेज है वो ऐसी है कि मेरे बड़ी काम आती है। कभी 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 ये मेरी गलती पकड़ लेते हैं और कभी कभी जलील भी कर देते हैं, लेकिन चलें आइए इनसे बात करते हैं। अब जलील करने का वक्त मेरा आ गया है। कैसे हैं आप? कैसे उड़ गए आप? बिल्कुल जैसे अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? परसों बुलाया था आपको, आप 3 दिन बाद आ जा रहे हैं। फॉल गाय देखने गया था मैं, ठीक है, अब तो वो उतर भी गई होगी सिनेमा से। मैं कहा चल ले भाई, उस जमाने का तू ही है, मज़ा आ जाएगा देख के। नहीं देखी ना? मैंने कब देखी? तुम तो कह रहे थे मैं न्यूप्लेक्स चल जाऊँगा, ये कर दूंगा। सुहेब भाई देख कर आऊँगा, देख के देखने का मौका नहीं मिल सका। अब बेटा इस पर आएगी ना, जब OTT से उस पर अपलोड होगी तब देखना जाके। जी जी ज़रूर देखूंगा। ये प्रॉब्लम था तुम्हारे साथ क्या थी? तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ये थी कि फॉल गाय जो सीरीज़ थी जो आती थी हमारे बचपन में, वो तुमने नहीं देखी थी अली मेजर्स की। वो कब आई थी? 85। तो भाई आप ही इतने पुराने हो गए भाई, 85 की मूवीज़ मैं कब देख सकूंगा? इतना छोटा सा बच्चा कहाँ से देखेगा? स्टार टीवी सबसे पहले डिश तेरे घर में लगी थी ना, तो तब उसमें नहीं देख सकते थे। स्टार टीवी पे भी सब आता था, सब कुछ आता था। ये मैंने और ये कर दी। द फॉल गाय ही वो सीरीज थी कि जब हमारे चचा की शादी हुई 1990s में, तो भाई शादी होती आदमी कूल बन जाता है फौरन एकदम से। तो फुप्पा ने ला के उनको एक रिसीवर दिया कि ये तुम अपने कमरे में लगाओ और डिश लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ। This is the Star TV Network. He's in it for the fun. They only do things like that in the movies. भी बड़े थे, 15-16 साल के थे। हमने कहा ये क्या तरीका है, डिश तो ये लगा रहे हैं, सारे प्रोग्राम तो हमारी मतलब क्या आते हैं। हम गए अपने दादा के पास सीधा सीधा। मैं कहा अब्बा वो छोटे चचा ने रिसीवर लगाया अपने कमरे में और उनके पास कुछ स्पेशल चैनल्स आते हैं। तो मैं जब हमने कहा कि बाहर एक कनेक्शन दे दें, तो उन्होंने कहा कि नहीं आपके देखने का नहीं है। तो दादा मेरी शक्ल देखते रहे और दुनिया देखे हुए आदमी थे यार, उन्होंने कहा उन्होंने ये कहा है जी। तो बुलाइए उनको, चचा की पेशी भी बैठे। उन्होंने कहा भाई जो आपने अपने कमरे में लगाया है, जो भी आप कह रहे हैं कि इन बच्चों के देखने वाला नहीं है, तो उन्होंने कहा जी उनके देखने वाले हैं, तो फिर आपके भी देखने वाला नहीं है। रिसीवर ताली आपने बंद करवा दिया। ना देखेगा तू, अगर नहीं देखते देगा हमें ख़त्म करा दिया अंकल, सब बेचारे की सारे अरमान ठंडे हो गए। तो ये फॉल गाय थी जो उस वक्त आती थी, ठीक है। इसमें ली मेजर्स साहब होते थे। ली मेजर्स वॉज अ वेरी बिग नेम इन द 70s, क्योंकि ये आए थे $6 million मैन में। ये आँख पैर नाक मुँह सब कुछ जो था वो लगा हुआ था नकली। तो अमेरिका का उस दौर में सोवियत यूनियन को बेवकूफ़ बनाने का एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा सीरियल था। मेरा बेटा मुझे कह रहा है कि बाबा $6 million मैन या रिच आदमी था। तो खैर $6 million मैन सीरीज थी ये, 73 में बनी थी और 76 में PTV पर आती थी। उस दौर के जो लोग थे, जो मुझसे पहले के हैं, मेरे से पहले के नौजवान ली मेजर्स को बहुत मानते थे। और ली मेजर्स इतने पैसे वाले हो गए थे कि 1980s में ही को प्रोड्यूस्ड द फॉल गाय, क्रिएशन ऑफ ग्लेन ए लार्सन। The Highwayman. I
ग्लेन ए लार्सन की अगर आपको सीरीज में बताना शुरू करूँ तो आप कुर्सी से गिर पड़ेंगे, पकड़ के बैठ जाइए जरा। हाँ, ग्लेन ए लार्सन ने बनाई थी बैटल स्टार गैलेक्टिका आती थी, स्टार ट्रेक की टक्कर की सीरीज है वो। ग्लेन ए लार्सन ने बनाई थी नाइट राइडर। नाइट राइडर तो किसे याद नहीं होगी। ग्लेन ए लार्सन ने बनाया था ऑटोमैन। ऑटोमैन भी एक शानदार। और ग्लेन ए लार्सन ने बनाया था मैनुअल। जी हाँ, ये सारी सीरीज ग्लेन ए लार्सन की है। सारी तो बहुत तेज आदमी था वो, और ये सारे शाकार हैं। शाकार। अब आप द फॉल गाय की जो फिल्म है उसको देखेंगे तो उस फिल्म के अंदर ये था, सीरीज में तो ये था कि एक स्टंटमैन है जो फिल्मों में स्टंट्स करता है, डेयर डेविल स्टंट्स बड़े बड़े, और जब उसके पास काम नहीं होता है तो वो बाउंटी हंटर होता है, कि उसको बुलाते हैं, कहते हैं कि यार ये बंदा जो है भाग गया है, पकड़ के लाओ। वही अपनी सिंगल केबिन में जाके उस बंदे को पकड़ के लाते हैं। डाला तब तो मतलब पाकिस्तान में उसको चलता था, डाले में गए बंदा उठा के ले आया, द फॉल गाय में होता था। तो वो जो था ये ट्रेंड भी वहां से आया। हाँ, ये ट्रेंड वहां से आया। तो वो थीम की ली मेजर्स कॉल्ड स्टीवंस का रोल अदा करते थे, उनका एक कजन डगलस बार होता था जो बाद में विजर्ड सीरीज याद है। जी जी बिल्कुल। द विजर्ड में जो छोटू भाई के साथ इंस्पेक्टर नहीं होता है जी, वो डगलस बार था, वो उसमें भी था। ये दोनों थे, हमें बहुत पसंद था। डगलस बार बहुत तो शक्लन बहुत खूबसूरत था और यंग था, तो हम लोग बड़ा अट्रैक्ट करता था। द फॉल गाय चली है पाकिस्तान में 84, 85, 86, उसके बाद इसी जमाने में शुरू हो गई थी नाइट राइडर। जी, Night Rider, a shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist. और नाइट राइडर का क्रेज तो सबको पता है यार। बिल्कुल। 85, 86, 87 तक आई थी। 80s के सारे लोग तो है नाइट राइडर के दीवाने। हर आदमी आंख बंद करके नाइट राइडर ड्रॉ कर सकता था। चिप्स का एक अभी एक फिल्म आई है 5 साल पहले, 6 साल हाँ। पहले पांच साल हो गए उस मूवी को, तो नहीं देखी मैंने, शुक्र है टाइम बचाया। और एक टीवी फिल्म आई थी 1998 में जिसका नाम था चिप्स 99। अच्छा, वो मैं नहीं देख सकता। अरे तुमने फिर किया गया है, उसमें दोनों थे लैरी विलकॉक्स और एरिक एस्ट्राडा, भाई पंच और जॉन बेकर वाला रोल। It's been a long time, Bunch. John, I guess it's Captain Baker now. तो ये तो वर्थ इट है, मुझे देखनी पड़ेगी। 14 साल के बाद एरिक एस्ट्राडा कमबैक करते हैं, वही सार्जेंट, ठीक है, जबकि सबकी तरक्की हो चुकी होती है, सार्जेंट की भी तरक्की हो गई, इनकी भी तरक्की, दोस्त भी सारे वो हैं, सब वही पुरानी कास्ट है। We need cops with the courage to tame them. Two of the best are back. लेकिन चोरियां हो रही है, तो उसमें एक जगह लैरी विलकॉक्स का जो कैरेक्टर है जॉन बेकर, वो एरिक एस्ट्राडा को आके पकड़ के कुछ गुस्से में कहता है कि जो तुम करते आ रहे हो ये किसी को पसंद नहीं है, ये जो हरकतें तुम करते थे जहाज से कूद गए, ये कर दिया, वो कर दिया, किसी को नहीं पसंद है, बड़े हो जाओ, मतलब काइंड ऑफ, तो वो डर जाता है। और एंड में उस फिल्म में जब क्लाइमेक्स पे इनको जॉन बेकर को पकड़ के ले जाते हैं तो ये वही हरकतें करते हैं सारी, फाइट। अच्छा, बस के ऊपर खड़े हुए फाइट हो रही है और आग सामने से कूद के शीशा तोड़ दिया गाड़ी का, सुधरने का मशवरा देने वाला खुद बिगड़ गया। बहुत वो बहुत अच्छी फिल्म थी, मजा आया देख के। लेकिन ये जो नई वाली है ये तो मैंने देखी भी नहीं, और ट्रेलर देख के अंदाजा हो गया कि इसमें है क्या। अब आप जैसे आदमी को तो ट्रेलर से ही अंदाजा हो जाता है ना। जी हाँ, तो भाई आपके लिए मशवरा है कि फॉल गाय देख लीजिए, क्योंकि फॉल गाय देखेंगे तो ली मेजर्स का जो ओरिजिनल कैरेक्टर $6 मिलियन मैन का था उसकी भी फिल्म आ रही है,
यही डायरेक्टर है जिसने द फॉल गाय बनाई है। कब आ रही है वो, साल के एंड में या अगले साल? जबरदस्त वो देखेंगे।